दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी बंद, दिल्ली परिवहन विभाग का आदेश, अगर नहीं मानी बात तो होगी ये कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें इस बात पर खास जोर दिया गया है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो चालान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर बुकिंग्स जारी रखी तो उनके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसे परिवहन विभाग ने निजी बाइक टैक्सियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन बताया है। गौर हो कि देश के कई बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। लोग अपने घरों से ऑफिस या फिर कहीं और जाने के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसके लिए सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट बाइक या स्कूटर का ही टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी, साथ ही राज्यों को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राइवेट व्हीकल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। नोटिस में क्या कहा गया? जो टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है उनका कमर्शियल इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। पहले उल्लंघन पर 5,000 जुर्माना, दूसरी बार पकड़ा तो 10,000, 1 साल जेल और गाड़ी जब्त करने का भी प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। आपको बता दें कि पहली बार अपराध करने पर 5,000 का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 का और 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इन परिस्थितियों में चालक को 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है। 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 21 दिसंबर को लाइसेंस के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। गौर हो कि दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने के पीछे मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा का कहना है कि टैक्सी सेवाओं के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें ड्राइवरों के लिए कई तरह के दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें सेफ्टी नियमों का पालन करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे कई नियम शामिल हैं। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।